नमस्कार, स्वागत है जौनपुर डेली टाइम्स के सभी व्यूवर्स का। मैं हूं सरस सिंह। बता दें कि डीएम मनीष कुमार वर्मा ने हौज स्थित ट्रामा सेंटर का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान क्या मिली खामियां, आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। निरीक्षण किए हैं, क्या मिला है? ट्रामा सेंटर का जो औचक निरीक्षण किया गया, इसमें एक डॉक्टर तो अनुपस्थित मिले हैं, लेकिन एक दूसरे डॉक्टर जिनकी ड्यूटी 2 बजे से थी वो उपस्थित मिले थे। उनके द्वारा बताया गया कि जिनकी तैनाती थी वो कहीं किसी व्यक्तिगत कार्य से गए हैं, तो उसको हम लोग चेक करा लेंगे। अगर जेन्युइन रीज़न है तो ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं उनका हम लोगों ने निरीक्षण किया। बाकी सब तो व्यवस्था लगभग ठीक नज़र आ रही थी, लेकिन अभी OT इनका संचालित नहीं है, तो उसकी जानकारी हमने ली। इनके द्वारा बताया गया कुछ मैन पावर की कमी है, तो अभी मैं CMO से बात कर लूँगा कि कहीं से अगर इनको मैन पावर हम लोग उपलब्ध करा सके तो OT यहाँ पे हमारा संचालित हो जाए। इसके अलावा ये जो स्कैनिंग सेंटर है इसका निरीक्षण किया गया है और यहाँ पे व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। लगभग 45 लोगों का आज CT स्कैन हुआ है और बहुत ही अच्छी सुविधा ये उपलब्ध करा रहे हैं। ये तो सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ यहाँ पर हमें ठीक मिली। सर, आए दिन है बिजली की समस्या रहती है। हाँ, बिजली का इन लोगों ने बताया है। ये चूँकि शहर से थोड़ा बाहर है स्थित हमारा ट्रामा सेंटर, और इसमें जो फीडर है वो रूरल एरिया का फीडर है, तो दिन में थोड़ी सी कम बिजली मिल पाती है इनको। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर शहर वाले फीडर से जुड़ जाए तो थोड़ा इनका आसान हो जाए। सर, लगातार 2 दिन से प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। सर, प्राथमिक विद्यालयों पर इस नए सत्र की किताबें नहीं पहुँच पाई हैं, सर क्या कारण है? वो किताबों का टेंडरिंग वगैरह की प्रक्रिया चल रही है, तो जैसे ही वो प्रक्रिया विभागीय प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लगता है जी, तो वो जल्दी आपूर्ति हो जाएगी। तब तक पुरानी किताबें जो हैं उन किताबों से पढ़ाई का कार्य। सर, अभी आपने 2 दिन पहले सुल्तानपुर विद्यालय का निरीक्षण किया था, वहाँ निर्देश दिया था कि बच्चे ड्रेस में आए। बच्चों को सर ड्रेस का पैसा ही नहीं पहुँचा, तो कहाँ से ड्रेस पाए? ऐसे कम लोग हैं जी, मतलब 20% बच्चे होंगे जिनका पैसा नहीं गया होगा जी। बाकी 75% से 80% बच्चों का पैसा चला गया, तो उनके गार्जियंस को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि सीधे खाते में गया है, तो वो लोग पैसा का सदुपयोग करें, अन्य चीज़ों पर ना खर्च करें और जल्दी। और काफ़ी बच्चों ने पहना भी था, लेकिन वही है कि कुछ बच्चे जिनके खाते में पैसा नहीं आया था, और दूसरे ऐसे बहुत कम बच्चे भी थे जिनके खाते में पैसा आ गया लेकिन उनके पिता माता पिता ने सिलवाया नहीं है। तो किताबों का क्या कारण बन पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहे हैं बच्चों तक? नया सत्र सर शुरू बताया ना अभी, तो इनका विभागीय टेंडर वगैरह की प्रक्रिया में थोड़ा डिले हुआ था, अब ये प्रक्रिया इन लोगों ने पूर्ण कर ली तो जल्दी पहुँच जाएंगे।